यात्रा इस वक्त कांग्रेस की चल रही है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है जनवरी के अंदर। उससे पहले अभी से तैयारी हो रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से हाल ही में रजनी पाटिल प्रदेश का दौरा भी कर चुकी हैं और भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक बनाए जा चुके हैं गुलाम अहमद मीर, और इस वक्त तैयारी गुलाम अहमद मीर की तरफ से की जा रही है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर ये यात्रा चल रही है और कहा जाता है कि जनवरी के आते आते ये यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगी और जम्मू कश्मीर में इसको लेकर खास तौर पर कई तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी इस वक्त की ताजा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत छोड़ो यात्रा में लोगों का जमावड़ा लग रहा है, ये कांग्रेस कह रही है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश में भी यात्रा थी, उसके बाद राजस्थान पहुंची और अब जम्मू कश्मीर जनवरी में पहुंच सकती है। फिलहाल रितिका राजपूत मेरे साथ जुड़ रही हैं, सहयोगी, उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। रितिका, क्या कहेंगी आप, क्योंकि गुलाम अहमद मीर को पूरी जिम्मेदारी दी गई है और पिछले दिनों हमने देखा भी कि किस तरीके से रजनी पाटिल ने भी प्रदेश का दौरा किया था, कितनी तैयारी इस वक्त की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की तैयारी इस वक्त कर रहे हैं गुलाम अहमद मीर। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा अगले ही महीने जम्मू कश्मीर भी पहुंचेगी, जिसके चलते शेड्यूल जो बनाया गया है 8 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का ठहरना होगा। और आपको बता देना चाहते हैं जिसमें से 4 दिन जम्मू और 4 दिन कश्मीर, ये यात्रा पूरी यहाँ पे चलाई जाएगी, जिसके चलते आपको बता देना चाहते हैं कि तैयारियां जो है सिक्योरिटी सिचुएशन को भी रिव्यू किया गया है कठुआ में, और इसी के चलते आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की दृष्टि में ढील नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसलिए तैयारियों में लगे हुए हैं और उसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सिक्योरिटी को पूरा मद्देनजर रखते हुए कार्य किया जा रहा है, ताकि अगले महीने यानी कि जनवरी के तीसरे हफ्ते की हम बात करें, ये भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं तैयारियों का जिक्र करूं, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की आप बात कर रही हैं, क्योंकि गुलाम अहमद मीर को इस वक्त तैयारी दी गई है, तैयारी करने को कहा गया है, क्योंकि अभी बात करें गुलाम नबी आजाद की तो गुलाम नबी आजाद अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन किस किस का साथ राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आएगा जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो किसी भी प्रकार से इस वक्त कनेक्टेड हैं और विचारधारा जिनकी मिलती है, उन लोगों की तरफ से समर्थन जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में इन्हें रहने वाला है। और उसी के अलावा अगर मैं बात करूं सुरक्षा व्यवस्था की, उसके चलते सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ कठुआ आरसी कोतवाल की तरफ से एक मीटिंग चेयर की गई थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, जिसमें ऑफिसर्स को ये डायरेक्ट किया गया कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करें और जो पेट्रोलिंग है उसे भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने को लेके निर्देश दिए गए हैं, ताकि कुछ ही समय में जो भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ना ही सुरक्षा के हिसाब से कोई चूक हो। ठीक है रितिका, अब मैं सिर्फ जम्मू का सवाल लूंगा, क्योंकि जम्मू के अंदर अगर हम बात करें गुलाम अहमद मीर की तो तैयारी अभी से की जा रही है, लेकिन बात अगर करें हम पार्टी वर्करों की तो पार्टी वर्कर भी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी तो क्या जनवरी के अंत में पहुंचेगी या जनवरी के शुरुआत में पहुंच रही है भारत जोड़ो यात्रा? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी महीने का जो तीसरा हफ्ता होगा, तीसरे हफ्ते में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये भारत जोड़ो यात्रा के तहत गांधी पहुंचेंगे और उसके बाद ही यहां पे 8 दिनों तक लगातार इस यात्रा के तहत शेड्यूल बनाया गया है, 4 दिन जिसमें से जम्मू को दिए जा रहे हैं और 4 दिन जिसमें से कश्मीर को दिए जा रहे हैं। ठीक है रितिका, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से शुरू की गई है राहुल गांधी की तरफ से, अब वो राजस्थान में इस वक्त है, लेकिन जनवरी के तीसरे हफ्ते में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगी और जम्मू कश्मीर में अभी से तैयारी की जा रही है, क्योंकि हाल ही में रजनी पाटिल भी पहुंची, तैयारियों का जायजा लिया गया और संयोजक बनाया गया है गुलाम अहमद मीर को भारत जोड़ो यात्रा का, और वो इस वक्त तैयारियों को कहीं ना कहीं मुकम्मल